सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नवरात्र कथा श्रृंखला में आज हम माता स्कंद माता के बारे में जानेंगे। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता को समर्पित है, जो दुर्गा देवी का पांचवा रूप है। उसका नाम शब्द स्कंद से आता है, जो युद्ध के देवता कार्तिकेय का है। इस प्रकार वे भगवान कार्तिकेय या स्कंद की माँ के नाम से जानी जाती है। देवी माता के दाएं हाथ में भगवान स्कंद, जो शिशु रूप में है और दोनों हाथों में कमल को धारण करते हुए चित्र में दिखाया गया है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जो निडरता, निर्भयता, शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। भगवान स्कंद छह मुखधारी है और माता चार भुजाधारी है और शेर की सवारी करती है। वह पार्वती, महेश्वरी और माता गौरी के रूप में भी पूजी जाती है और अपने भक्तों पर अनुग्रह करके उन्हें वरदान भी देती है। एक पुरानी कथा के अनुसार महान दानव तारकासुर ने ब्रह्मा जी को अपनी कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद और अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इस बात पर तारकासुर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ऐसा वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के सिवा उसका वध कोई नहीं कर सके। उसने सोचा भगवान शिव का विवाह कभी नहीं होगा। जब तारकासुर ने पृथ्वी पर लोगों को पीड़ा देना शुरू कर दिया, तब उसकी शक्ति और विनाश के डर से देवताओं ने भगवान शंकर को देवी पार्वती से विवाह करने का अनुरोध किया, ताकि उनके जन्मे पुत्र से तारकासुर का वध हो सके। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ विवाह किया और उनसे जन्मे पुत्र कार्तिकेय अर्थात स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध किया। राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में वे देवताओं के सेनापति भी बने। इस प्रकार देवी स्कंद माता की कहानी माता और पुत्र के संबंधों का प्रतीक है। स्कंद माता अपने भक्तों को मोक्ष, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है, और यह ऐसा माना जाता है कि आशीर्वाद दुगना हो जाता है, क्योंकि उनके साथ साथ भगवान स्कंद की भी पूजा हो जाती है, जो उनके गोद पर बैठे होते हैं। माँ अपनी दिव्य चमक से भक्तों के जीवन में प्रकाश लाती है, उनकी कृपा से मनोरथ पूरे होते हैं। उनका आशीर्वाद अनमोल है, जो जीवन में वास्तविक शांति प्रदान करता है। स्कंद माता की पूजा विधि। स्कंद माता की पूजा का संकल्प लें, उनकी प्रतिमा या तस्वीर पर रोली कुमकुम लगाए और नवेद अर्पित करें, धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, गुलाब। स्कंद माता के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। ओम देवी स्कंद मातेई नमः। सिन्हासिना गता नित्यम पद्मश्री तकर दया। शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण सन्निष्ठता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी।